Hello guys and girls, welcome back to Java 3.0. This is Alok Pandey, and as you know we are learning a Unity C sub game development tutorial. So aaj ke is video mein hum dekhenge ki actually kaise hum kisi naye object ko generate karte hain apne script ke through. Humne bahut baar ye sari cheeze dekhi ki main game out mein jaake 3D mein jaake yahan pe ek cube, sphere, capsule, cylinder aise koi bhi cheez main yahan se सेलेक्ट करता हूँ और वो जनरेट हो जाती है. ठीक है, बट ये जो भी आप जनरेट करते हो वो सब स्टैटिक है. स्टैटिक इन द सेंस आप इसे अगर आपको 10 बार क्रिएट करना है तो आपको 10 बार यहाँ पे इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, जो कि एक वर्स्ट केस का प्रोग्रामिंग है क्योंकि जनरली हमारा रिक्वायरमेंट के बेस पे होता है. अगर आप इस तरह से बनाने जा रहे हो तो फिर आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इसके पीछे. अगर आपको यही चीज कोडिंग के थ्रू मिल जाए, मुझे 10 ऑब्जेक्ट बनाना है क्यूब ही टाइप का, तो मैं डायरेक्ट कोड के थ्रू इसे जनरेट करूंगा, तो वो बेटर ऑप्शन होगा. तो वही आज हम देखने वाले कि इसे हम कोड के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं. जो अभी मैंने यहाँ पे यहाँ से जीयूआई के बेस पे किया, वही अगर मुझे कोड के थ्रू करना है तो कैसे करना होगा वो आज हम देखने वाले हैं. और अगर इसका रिक्वायरमेंट देखे तो हम इसका रिक्वायरमेंट बहुत जगह हम देख सकते हैं, बहुत जगह, ज्यादातर गेम्स में ये होता ही है. अगर आप जस्ट अज्यूम करो, मैं रनिंग का ही गेम को ले लेता हूँ, कार रेसिंग का गेम लेता हूँ, तो जो आप कार रेस करते हो तो जो आप रोड पे जब चलते हो तो क्या आपको क्या लगता है, वो पूरा का पूरा एनवायरमेंट पहले से बना रहता है? नहीं, इसमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जब आप चलते रहते हो, जहां तक आप जिस स्टेज पे, मतलब आप सपोज एक चेकनाका जिसे हम बोलते हैं, अगर एक क्रॉस करते हैं दूसरे चेकनाका जो होता है उसमें, ऐसे बहुत सारे बीच के ऑब्जेक्ट होते हैं जो रन टाइम में बनते हैं. सारी चीजें स्टेटिक नहीं होती है, बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें रन टाइम ही होते हैं. तो वही आज हम देखेंगे रन टाइम में ये ऑब्जेक्ट कैसे जनरेट करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा. और अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था कुछ इस तरह की चीजें थी कि मतलब मेरा एक क्यूब होता है और ये एनवायरनमेंट होता है. पहले की वीडियो मैंने डिस्कस किया है तो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. सो चलते हैं अपने सी शार्प में और इस ऑब्जेक्ट को कैसे जनरेट करते हैं. एंड अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो प्लीज मत देखो, पहले की वीडियो देखो, तभी आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आएगा. एंड आपको अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो पहले की वीडियो अच्छी तरह से देखो तब यहाँ पे आओ. अब आ जाते हैं अपने वीडियो अपने स्टार्ट मेथड में. जनरली हम अपडेट में काम करते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अपडेट में भी काम कर सकते हो, स्टार्ट में भी काम कर सकते हो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे वो डिपेंडेंट रहता है कि आपको ये अपडेट में करना है या फिर स्टार्ट में करना है. स्टार्ट एंड अपडेट के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. अब मैं बात कर रहा था गेम ऑब्जेक्ट की, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक गेम ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड जिसको रन टाइम में बनाऊंगा, तो उसका नाम सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे क्यूब. मैं सपोज क्यूब बना रहा हूँ तो मैं क्यूब ही ले लेता हूँ. मैं यहाँ पे रन टाइम में क्यूब जनरेट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे करना कुछ नहीं है. क्यूब इक्वल टू यहाँ पे आपको लेना है गेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो सब गेम ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, डॉट क्रिएट प्रिमिटिव. जितने भी मैं यहाँ पे क्यूब, स्फीयर, क्वाड ये सब लेता हूँ, एक प्रिमिटिव टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं. अब यहाँ पे क्या क्या प्रिमिटिव टाइप्स के ऑब्जेक्ट आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ क्या कौन कौन से आते हैं प्रिमिटिव टाइप डॉट. ये भी देखो, कैप्सूल, क्यूब, सिलेंडर, प्लान, कॉर्ड, स्पेयर, ये सारी चीज जो है हमारे ये सारी चीजें हमारी प्रिमिटिव टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो मैं क्यूब की बात कर रहा, तो मैं क्यूब यहाँ पे लेता हूँ एंड इसका पोजीशन अब हम सेट कर सकते हैं यहीं से. अभी तक हम लोग वहां से सेट करते थे, अब यहां से सेट करेंगे. तो उसके लिए मुझे सिंपल क्यूब डॉट सेट पोजीशन, मैं क्या करने वाला हूँ कि जो डिफॉल्ट पोजीशन है हमारा, जो पहले का एक वहां पे ग्रीन कलर का जो क्यूब है जिसे हम लोगों ने मेन कैरेक्टर का रोल दिया है, उसके ही पोजीशन पे मैं एक नया क्यूब जनरेट करूंगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यूब डॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म के अंदर आता, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इक्वल टू करेंट ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट करंट ऑब्जेक्ट, मतलब दिस ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जो क्यूब है. यहाँ अगर आप यूनिटी में देखोगे तो ये ग्रीन कलर का क्यूब है, जो कि मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा, ये जो क्यूब है इसका करंट पोजीशन जो रहेगा यहीं पे जनरेट होगा हमारा नया वाला क्यूब. तो ये जो स्क्रिप्ट में यहाँ पे आप लिख रहे हो उस क्यूब से अटैच्ड है जो मैंने अभी दिखाया, ग्रीन वाला क्यूब. तो इसलिए मुझे यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नेम पास करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो उसको समझ जाएगा कि हाँ ये करंट क्यूब की बात कर रहा है जिसके साथ ये स्क्रिप्ट अटैच है. डॉट एंड यहाँ पे मैं लूंगा स्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल पोजिशन या पोजिशन जस्ट से सेमी कॉलन. ठीक है, एंड इसे सेव करते हैं और जाके हम रन करते हैं अपने यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है. ठीक है, सो मेरा ओके लेट्स चेक इट. ये देखो एक नया क्यूब जनरेट हो गया ऑटोमेटिक.
उसी पोजीशन पे जहाँ पे ये क्यूब था, इसके रेड ग्रीन वाले क्यूब के ऊपर हमने रिजिड बॉडी अप्लाई किया, इसलिए वो नीचे आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं किया इसलिए वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, उसके ऊपर हमने कंपोनेंट तो अप्लाई किया ही नहीं है एक भी, और रन टाइम में हम कंपोनेंट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, वो तो मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, जैसा हम गेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, गेम बना रहे हैं छोटा सा, तो उसके बेस मुझे कुछ तो ऐसा चाहिए जो राइट साइड में जो लगे कि एक ये रोड है, मतलब रोड इन द सेंस कोई एक वे है जहां पे मैं इस क्यूब को मैं जहां पे रन करने वाला हूं। फिलहाल मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी ये क्यूब, ये वाला। ठीक है, तो मुझे कुछ तो चाहिए, तो मैं बनाऊंगा एक रोड की तरह, एक वे की तरह। तो मैं मुझे राइट साइड में इसके जहां पे ये करंट क्यूब अभी जो ग्रीन दिख रहा है, इसी पे एक तरह से मुझे बैरियर टाइप में बनाना होगा, कोई ऐसा पोल्स बनाने होंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये यूज कर सकता हूँ जो रन टाइम में मुझे मल्टीपल चीजें बना के दे सकती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अभी उसमें करना क्या है मुझे। सपोज सीशॉप में चलते हैं, अपने क्यूब की जगह मैं लेता हूँ यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की जगह कैप्सूल लेते हैं, क्यूब की जगह लेता हूँ डॉट कैप्सूल, ये कैप्सूल लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी मुझे सेट करना है क्या कि इस कैप्सूल का जो कैप्सूल जो बनाने जा रहा हूं, कम से कम 10 से 15 कैप्सूल बनना चाहिए एक बार में, और साथ साथ इसके जो पोजीशंस हैं, ये जो पोजीशन सेट होगा उसका हर बार जैसे जैसे हमारा क्यूब मूव होगा उसका भी मूव होना चाहिए, पोजीशन अलग होना चाहिए। अभी मैं अगर जनरेट करूंगा 10 तो 10 एक जगह पे जनरेट हो जाएगा 10 के 10, और उसे 10 जनरेट करने के लिए मुझे ये सब फॉर लूप में करना होगा। तो मैं यहाँ फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैस एंड यहाँ पे मैं वैल्यूज पास करता हूँ, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके सपोज मैं 10 बनाने वाला हूँ, तो मैं 10 पास करता हूँ सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। अब ये क्या करने वाला है, 10 क्यूब जनरेट करने वाला, लूप की वजह से मैं 10 कैप्सूल जनरेट कर पाऊंगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती होगी थोड़ी बहुत तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तब आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फॉर लूप का यूज हम जनरली किसी चीज को बार बार करने के लिए यूज करते हैं, रिपीट करने के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जो ये जो अब जनरेट होगा, 10 ऑब्जेक्ट तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यही होगा उसका पोजीशन सेम रहेगा तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसके पोजीशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज करने के लिए मुझे वेक्टर 3 का यूज करना पड़ेगा, अगर वो 3D ऑब्जेक्ट है तो। मैं यहाँ पे लूंगा वेक्टर 3 एंड वेक नाम देता हूँ उसको। अब वेक के अंदर जो मैं करंट क्यूब का पोजीशन होगा, नहीं करंट क्यूब का पोजीशन नहीं लेंगे हम यहाँ पे सेट करेंगे मैन्युअली। सो मैं लेता हूँ यहाँ पे वेक ओके, यहाँ पे लेता हूँ मैं वेक, जो करंट क्यूब है हमारा वो है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, तो इक्वल टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसकी जरूरत शायद नहीं है, ट्रांसफॉर्म डॉट मैं लिक कहाँ पे रहा हूँ, स्टार्ट के बाहर, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली। तो एक सेमी कॉलन एंड अब इसे मैं बनाऊंगा यहाँ पे ओके वेक डॉट सॉरी वेक डॉट एंड एक्स वाई पोजिशन इसका जो भी रहेगा, ओके एक्चुअली हमने प्रॉब्लम ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वेक नाम का एक वेरिएबल बनाया है और मैं फिर से बना रहा हूँ, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं पहले वाला ही यूज कर लेता हूँ, मुझे बार बार यूज करने की जरूरत क्या है। तो मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ वेक डॉट एक्स पोजिशन, सबसे पहले एक्स, और मुझे ये सेट करना क्या है एक्चुअली, अगर हम अपने यूनिटी में जाते हैं और ये जो गेम ऑब्जेक्ट है मुझे इसके बेस पे यहाँ पे मुझे एक्चुअली हाँ यहीं से पोजीशन ले, जो फिक्स पोजीशन में यहाँ से लेता हूँ, मुझे इतने बेस पे यहाँ पे चाहिए जो कैप्सूल जनरेट होने वाला है मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसका पोजीशन यहाँ से लेता हूँ डायरेक्ट 3.86 कंट्रोल सी, तो इसका एक्स वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ पहले, तो एक्स इक्वल टू कंट्रोल वी एफ सेमी कॉलन। ठीक है, सेम फॉर मुझे बाकी सारे वैल्यूज वाई एंड जेड को भी सेट करना है, मुझे चेंजेस रन टाइम में सिर्फ जेड के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो मैं इसे टॉप में कर रहा हूँ तो वाई पोजिशन चेंज हो रहा है, टॉप बॉटम में कर रहा हूँ, एंड अगर मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो इसका कौन सा पोजिशन, एक्स पोजिशन चेंज हो रहा है, एंड अगर मैं आगे पीछे करता हूँ तो हमारा जेड पोजिशन चेंज हो रहा है। तो मुझे आगे पीछे ही जनरेट करना है, मतलब इस तरह के सीक्वेंस में मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जेड पोजीशन चेंज करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट जो एक्स पोजीशन रहेगा वो हमारा हर समय फिक्स रहने वाला है, एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन दोनों फिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से चेंजेस वैल्यूज ले लेता हूँ फिक्स वैल्यू का, सी
एंड यहाँ से मैं फिर से ए कंट्रोल वी एफ, ओके, एंड सेम चीज मैं ले लेता हूँ किसके लिए, वाई के लिए, वाई भी मुझे यहीं पे चाहिए, तो मुझे ओके वाई इतना ही ठीक है, एक्स पोजिशन एंड वाई पोजिशन, चलो ठीक है, वाई यहाँ से ले लिया मैंने, एंड यहाँ पे मैं वाई के लिए वैल्यू चेंज कर देता हूँ वी एफ, ओके, वैल्यूज मुझे फ्लोटिंग में पास करना है, एक्स का वैल्यूज सब फ्लोटिंग में लेने वाला है, एंड अब मुझे पास करना है जेड, एंड जेड को डिफॉल्ट वैल्यू होगा यहीं पे रहेगा, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, बाकी हर बार मैं इसे इंक्रीज करूंगा, 5 से इंक्रीज कर सकता हूँ, सो कंट्रोल सी एंड टैब एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मुझे इसका कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर देना चाहिए, जेड एंड इसे कर दो एफ फ्लोटिंग वैल्यूज, एंड यहाँ पे वाई, डन। अब मुझे फॉर लूप के अंदर जेड का पोजीशन ही खाली चेंज करना है, और यहां से मुझे ये वाला वैल्यूज निकाल के मुझे वेक्टर अप्लाई कर देना है इक्वल टू वेक, वेक्टर वगैरह मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो मुझे ज्यादा इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई होप, एंड यहां पे मैं अब दूसरा क्या करूंगा, हाँ जेड का वैल्यू इंक्रीज करना है हर बार 5 से, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार 5 से मुझे इंक्रीज करना है, तो मैं यहां पे सिंपली 5 क्या करूंगा, वेक डॉट जेड पोजिशन इक्वल टू प्लस इक्वल टू रहेगा, पहले के वैल्यूज के साथ ही ऐड होना चाहिए, इक्वल टू 5 एफ सेमी कॉलन, ठीक है, हाँ अब सेव करता हूं, अब जाके मैं रन कर सकता हूं और चेक कर सकता हूं कि किस पोजीशन में किस तरह से ये जनरेट होने वाला है, ठीक है, सिंपल जाओ F5 यहां पे मतलब रन करो इसे, एंड ओके यहां पे देख सकते हो अब ये जो मेरा जनरेट हुआ है कैप्सूल्स ये ऑटोमेटिक जनरेट हुए हैं, जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किए हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक ये जनरेट हुए जो क्यू कैप्सूल्स हैं, ये बेनिफिट है, मैं इसको रन टाइम में किस तरह से बना रहा हूँ एक सीक्वेंशियल पोजीशन में, सेम चीज अगर मैं ये साइड कर दूं तो एक ये एक वे की तरह एक रोड की तरह ये दिखने वाला है, तो चलो वो साइड भी कर देते हैं, फिर मैं इस वीडियो को पॉज करूंगा मतलब खत्म करूंगा, सो उसके लिए मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, मैं इसी को ही कॉपी कर सकता हूं ये वाला पार्ट को, बस मुझे उसमें चेंजेस करना होगा क्या, खाली एक्स पोजिशन को, ठीक है, सो वही गेम आउट में फिर से जनरेट कर रहा हूँ, वो सब कुछ वही है, बट मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो, एंड वो डिफॉल्ट वैल्यू कौन सा, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं, मुझे इसको मूव करना है एक्स पोजिशन, तो एक्स का पोजिशन मुझे यहाँ पे नहीं, सपोज यहाँ पे चाहिए, ठीक है, हाँ ये बेस्ट रहेगा, इस पोजिशन पे चाहिए, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ माइनस 3.81, चलो चलते हैं यहाँ पे, एंड मैं पास कर देता हूँ इसका वैल्यूज यहाँ पे, फिर से उतना एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली, पहले ये लाइन फिर ये लाइन फिर इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो मैं यहाँ पे वापस वही वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ, वेक डॉट एक्स इक्वल टू कंट्रोल वी सेमी कॉलन, जस्ट यहाँ पे एफ पास कर दो क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यूज पास करना है, सेव करते हैं, एंड अब जाके हम चेक करते हैं क्या रिटर्न आता है, क्या वैल्यू आता है, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये, मैं रन करता हूं इसे, ओके थोड़ा सा गड़बड़ है ये, कहां पे जा रहा है एक्चुअली, हाँ उसका मुझे पोजीशन भी सेट करने पड़ेंगे, बाकी सारे पोजीशंस लाइक इसका ये सब सेट करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल सी एंड मुझे एक्चुअली पूरा लेना पड़ेगा, ये दोनों भी सेट करने पड़ेंगे क्योंकि वो आगे का वैल्यू इंक्रीज वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देना चाहिए, दैट्स ऑल, एक्चुअली यहाँ पे नहीं, इसके फॉर लूप के बाहर करना है, कंट्रोल एक्स यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल वी एंड जस्ट सेव इट अगेन एंड लेट्स रन इट अगेन एंड ओके गो ओवर हियर एंड रन इट अगेन, ओके अब ये प्रॉपर है, ओके अब मैं मूव करता हूं अपने गेम ऑब्जेक्ट को, आप देख सकते हो एक ये प्रॉपर वे में चल रहा है, दिख रहा है मुझे, ठीक है, सो ये बेटर है, तो कुछ इस तरह की चीजें मुझे बनाने के लिए मुझे रन टाइम में ऑब्जेक्ट लगने ही वाले थे, तो आई होप वो भी क्लियर हो गया, मेरा एक रोड बन चुका है। अब रही बात ये कि मैं जब एक्स का पोजिशन चेंज करता हूं मुझे फिर से जनरेट करना है, मतलब इतना हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे वो बार बार जनरेट करना है, तो ये भी ध्यान में देना है, जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ मतलब सपोज यहाँ पे पहुंच जाता हूँ तो यही वाली चीज फिर से जनरेट होनी चाहिए जो अभी अभी हम लोगों ने जनरेट किया है, ठीक है,
तो उसके लिए फिर अलग से फंक्शन बना के रखेंगे और वो फंक्शन को कॉल करेंगे कंडीशंस के बेस पे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे, कुछ और में क्या होगा, फायरिंग का इशू प्रॉब्लम सॉल्व करना है. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड लोगों को शेयर करो, सो दैट आप शेयर करके मुझे हेल्प करोगे एक्चुअली. एंड दैट्स ऑल.